गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज क्लास थर्ड में अपना जो पार्ट 14 था उसका पार्ट सेकंड मैं आपको आज पढ़ाने जा रही हूँ बेटा। मैं आशा करती हूँ कि आपने पार्ट फर्स्ट को बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा। इससे पहले की कहानी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। तीन भाई होते हैं और जो अपना अपना घर तलाशने की कोशिश करते हैं, तो वो रास्ते में चलते हैं तो उन्हें एक आम का पेड़ मिलता है। आम के पेड़ के साथ ये सबसे बड़े वाले भाई को वो आम का पेड़ ही बहुत अच्छा लगता है कि इससे अच्छा घर कहाँ पर हो सकता है। दूसरे भाई को कौन सा अच्छा लगता है? केले का पेड़ अच्छा लगता है ना, कि भाई हम केले को खा भी सकते हैं, उसके पत्तों को जब बारिश आती है तो हम बचा भी सकता है और केले बेच भी सकते हैं। तो बहुत सारी क्वालिटीज बताई थी उसने। और तीसरे भाई मगर तीसरा भाई आगे बढ़ता चला जाता है ना, और चलते चलते उसे नारियल का पेड़ मिला। अब तीसरे भाई को कौन सा पेड़ मिलता है? नारियल का पेड़। पेड़ बड़ा लंबा और पतला था, नारियल का पेड़ आप सभी ने देखा होगा। तीसरे भाई ने कहा कैसी प्यास लगी है? तो तीसरे भाई ने कहा भाई बहुत तेज प्यास लगी है। टप, एक नारियल जमीन पर टपक पड़ा। तीसरे भाई ने अपना चाकू निकाला, एक नारियल ऊपर से नीचे गिर गया जमीन पर। तीसरे भाई ने अपना चाकू निकाला, खर खर, नारियल की जटाएं साफ हो गई। आपने देखा होगा जो नारियल का जो होता है उस पर कुछ ऐसे ऐसे उन्हें जटाएं कहते हैं ना, होता है ना ऐसे ऐसे, उन्हें क्या कहते हैं? जटाएं, ठीक है। फिर उसने नारियल के छिलके में छोटा सा छेद किया और उसका ठंडा मीठा पानी पिया। तो उसने क्या करा, आपने देखा होगा जो दूधिया नारियल होता है उसके अंदर क्या होता है? पानी होता है, और खाने में भी बहुत ही टेस्टी होता है, हल्का सा मीठा होता है और उसके अंदर से जो पानी निकलता है उसका वो ठंडा भी होता है, बहुत बहुत ही अच्छा होता है। और कैसे ठंडा और मीठा दोनों होता है वो नारियल के पेड़ की छोटी सी छां। लेकिन नारियल का पेड़ जो है उसकी ज़्यादा छां, मतलब उसमें ज़्यादा जो शेड होती है वो बहुत कम होती है ना। तीसरा भाई उसी छाँ में बैठ गया और सोचने लगा, लेकिन जिधर की साइड वो छाया आ रही थी वो उधर की साइड ही बैठ गया। आम का पेड़ बहुत बढ़िया होता है और आम भी बड़ा अच्छा फल है। केले का पेड़ बड़ा काम का होता है और केले खाने में अच्छा होता है। अब वो विचार कर रहा है, देखो बैठा है ना ये भाई, वो विचार कर रहा है कि आम का पेड़ भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, विशेषताएँ हैं बहुत सारी आम के पेड़ की, और केले की भी बहुत सारी विशेषताएँ हैं, और केला भी बहुत फायदेमंद का फल है ना। तो अब वो अपने मन में इस चीज़ को लेकर विचार कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम अपना। पेड़ नीम का भी अच्छा है, उसकी दातून बड़ी अच्छी रहती है। घर में कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनियाँ दरवाजे पर लटका देते हैं। मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियाँ बेच सकता हूँ और पेड़ मुझे ठंडी छाँव भी देगा। और अगर कहीं मेरे पास रबड़ का पेड़ होता तो मैं अपना चाकू निकालकर पेड़ की छाल में एक लंबा चीरा लगा देता, चीरे के तले में एक प्याला रख देता, पेड़ के दूध या रस को मैं प्याले में भर लेता, रस को पकाकर मैं रबड़ बना लेता, मैं रबड़ बेच देता। रबड़ के लोग गुब्बारे, टायर और तरह तरह की चीज़ें बना लेते हैं। अब देखिए वो अपने मन में विचार कर रहा है, क्यों? क्योंकि वो नारियल के पेड़ के नीचे बैठा है। अब वो विचार कर रहा है कि कौन सा पेड़ सबसे अच्छा है। अब वो कह रहा है भाई नीम का पेड़ भी बहुत अच्छा होता है, क्यों? क्योंकि नीम भी हमारे लिए एक औषधि का, एक दवाई का काम करता है ना, करता है ना। नीम के पेड़ से हम दातून करते हैं उसकी डंडी से, तो जिससे कि हमारे दांतों में जो कैविटीज हो जाती है, कीटाणु जो हो जाते हैं वो नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ लोग पानी में डालकर उसको, कुछ लोग उसके पत्तों को पीस कर पीते हैं, जो हमारे अंदर का जो कुछ स्किन संबंधी, जो त्वचा संबंधी कोई रोग होते हैं उनको ख़त्म करता है। और उसका जो तासीर होता है वो बहुत ठंडा होता है नीम का, है ना। तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं नीम का पेड़ लगा लूँ, और नीम के पेड़ की डंडियाँ कहाँ बेचूँ? बाजार में बेच सकती हूँ। और पेड़, वो जो नीम का पेड़ है वो मुझे गहरी छाँव भी देगा गर्मी में, है ना। और वो सोचता है कि अगर कहीं मेरे पास रबड़ का पेड़ होता तो मैं उसे चाकू के उसको बीच में से चीर देता और उसके अंदर से क्या निकलता, एक तरल पदार्थ निकलता है ना, दूध के जैसा, उसको प्याले भर लेता और उस रस को पकाकर मैं रबड़ बना लेता, रबड़ में बेच देता। और रबड़ से लोग क्या बनाते, देखो रबड़ की तो बहुत सारी चीज़ें बनती है ना, गुब्बारे बनाते हैं, टायर बनाते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम यूज़ करते हैं। अच्छे पेड़ों की क्या कमी है, नारियल के पेड़ की ही सोचो। नारियल की जटाओं को काटकर मैं मोटी डोरियाँ बना सकता हूँ और डोरियों से मैं मजबूत चटाइयाँ भी बना सकता हूँ। रस्सियों और चटाइयों को मैं शहर के बाजार में बेच सकता हूँ।
मैं नारियल का पानी पी सकता हूँ, मैं नारियल की गरी खा सकता हूँ, और कुछ गरी सुखाकर मैं खोपरा भी तैयार कर सकता हूँ। खोपरे को पेर कर मैं गोले का तेल निकाल सकता हूँ। गोले का तेल साबुनों और कितनी ही चीज़ें बनाने के काम आता है। देखो, अब वो सोच रहा है कि अरे, नारियल का पेड़ भी बहुत ही महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। देखो कैसे कि नारियल की जटाओं को काटकर, जो उसके ऊपर वो रेशा जो लगा होता है ना, उनको काटकर मोटी डोरियां, आपने देखा होगा जब कहीं मकान बनता है तो उन रस्सियों का प्रयोग किया जाता है ना, और डोरियों से मैं मजबूत चटाइयां। अब डोरियां होंगी तो देखा होगा आपने, मैट्स बनते हैं, चटाइयां भी बनाते हैं जिनसे हम पैर अपने साफ करने का काम करते हैं। रस्सियों चटाइयों को मैं शहर बाजार में बेच सकता हूँ। अब हम उनसे अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। उनको कहाँ बेच सकते हैं, उनको बाजार में, घरों में हम सेल करते हैं। मैं नारियल का पानी पी सकता हूँ कि मैं नारियल का पानी इतना अच्छा होता है वो बेटा हमारे लिए, बहुत ही है ना, उसको पी सकता हूँ। मैं नारियल की गरी खा सकता हूँ, जो अंदर से उसका जो वाइट वाइट होता है ना, वो हम खाते हैं ना गोले का, नारियल का, और कुछ गरी सुखाकर मैं खोपरा भी तैयार कर सकता हूँ। और सूखे गोले भी काम आते हैं, हम अपने त्योहारों पर भी उन गोलों को काम में लेते हैं, है ना, ड्राई फ्रूट के रूप में हम गोले को खाते हैं। खोपरे को पेर कर मैं गोले का तेल निकाल सकता हूँ, और जो वो सूखा हुआ पार्ट होता है ना नारियल का, उसको अगर हम जैसे सरसों का तेल निकालते हैं, ऐसे ही मैं नारियल का तेल भी निकाल सकता हूँ। गोले का तेल साबुन और कितनी कितनी ही चीज़ें बनाने के काम आता है। और जो नारियल तेल है वो हम अपनी बॉडी पर भी लगाते हैं, और केरल में तो बेटा नारियल का तेल ही खाना पकाने में काम में लिया जाता है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हम नारियल से, उनका बरूदा, जो जब गोले का हम तेल निकाल लेते हैं तो उसका बरूदा निकलता है, उस बरूदे से मिठाई भी बनाते हैं, बहुत सारी मिठाइयों में काम करते हैं। तो नारियल भी बहुत सारी चीज़ों में काम आता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि बेटा कि नारियल का पेड़ थोड़ा छाया कम देता है तो उसका यूज़ कम है, उसका भी यूज़ बहुत ज़्यादा है। नारियल के छिलके को साफ करके कटोरे और प्याले बना सकता हूँ। अब देखो, जो ऊपर का हार्ड पार्ट होता है नारियल का, उसका क्या है, उनको साफ करके मैं कटोरे और प्याले भी बना सकता हूँ। ठीक तो है, मेरे लिए तो यही पेड़ सबसे अच्छा है, मैं तो इसी के नीचे घर बनाऊंगा। इसलिए तीसरे भाई ने नारियल के तले अपनी कुटिया बनाई और मजे से रहने लगा। तुम्हारे लिए कौन सा पेड़ सबसे अच्छा है? अब वो देखो, अब पहले वाले ने हमें कौन सा पेड़ बताया, आम का, दूसरे वाले ने केले का, और तीसरे वाले ने नारियल का पेड़। बेटा इस पाठ के माध्यम से आपको पेड़ों की विशेषताएं बताना चाहते हैं, वो हमारे हम उनका कैसे कैसे यूज़ करते हैं, और पेड़ हमारी ज़िंदगी में क्या अपनी भूमिका निभाते हैं, और पेड़ हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। हम औषधि के रूप में देते हैं, ड्राई फ्रूट्स, सूखे फल, मेवे हमें उसी से मिलते हैं, पेड़ों से हमें छांव मिलती है, पेड़ों पर हमारे पक्षी अपना निवास स्थान रखते हैं जिसपे वो रहते हैं, अपना घोंसला बनाकर रहते हैं, है ना। और पेड़ों से ही हमें गोंद, रबड़, हमें ये सब चीज़ें मिलती हैं, उनकी पत्तियां हमारे लिए बहुत लाभदायक हैं। कुछ जगह तो पेड़ों की पत्तियों पर ही हम भोजन रखकर भी खाते हैं, प्लेट के रूप में उनको यूज़ किया जाता है। तो इस पाठ के माध्यम से आपको ये बताया गया है कि नारियल के, आम के और केले के पेड़ कितने ज़्यादा यूज़फुल हैं हमारे लिए, है ना, बहुत, है ना। तो अब तुमसे पूछा है कि तुम बताओ तुम्हारे लिए कौन सा पेड़ सबसे अच्छा है, तुम्हें उसके बारे में लिखना है, ठीक है। इसके राइटर कौन है, जय भारदास, ठीक। तो आप भी अब इस वाले लेसन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और देखेंगे कि आप सबसे ज़्यादा बेनिफिट किस पेड़ के हैं। और बेटा, पेड़ों का हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा असर भी पड़ता है, हमें हमें मानसिक रूप से भी बहुत शांति मिलती है पेड़ों को देखकर, छाया को देखकर, है ना। अगर हम ज़्यादा पोल्यूशन या वाहनों के बीच में रहते हैं तो हमें एक अंदर से फ्रस्ट्रेशन होती है, हम बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन पेड़ों के पास जाकर हमें एक अंदरूनी, बहुत ही नेचर के पास जाने पे हमें क्या मिलती है, बहुत ही अच्छी एक शांति मिलती है हमें, ठीक है। तो आप भी अपने आसपास पेड़ लगाइए और उनके फायदे बताइए, उनको कटने नहीं दीजिए, ठीक है बेटा। थैंक यू, आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।